if I should stay or be alone. आप सभी मगरमच्छ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते होंगे। आपको बस ये पता होगा कि क्रोकोडाइल बस एक रेप्टाइल है जो कि पानी में पाया जाता है, और बस आगे हमें क्या पता। ये नॉर्मल जानकारी क्रोकोडाइल के बारे में सभी को होती है, लेकिन गाय मगरमच्छ के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको हैरान कर देगी कि मगरमच्छ कोई साधारण जानवर नहीं है। तो मैं बताऊंगा आपको वो सारे फैक्ट्स, तो वीडियो को पूरा देखना। छोटी सी तो है ये, 3-4 मिनट में मैं आपको फटाफट सारे फैक्ट्स बता दूंगा। तो शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, समझ रहे हो ना? बस यही है। समझ रहे हो मतलब क्या? फैक्ट नंबर 2 का कोई अंदाजा था आपको? कोई नहीं भाई, को एक थैंक यू बोल देना कमेंट में अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता था। चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 3, अब सवाल आता है 4000 कैसे। चलो वो खुलवाते हैं इसका। अब आप बोलोगे कि ये तो दूसरा है। हाँ, ये दूसरे प्रकार का क्रोकोडाइल है। वैसे क्रोकोडाइल के बहुत टाइप होते हैं, वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल उसका मुंह खुलवाते हैं और देखते हैं कितने दांत हैं। तो अब समझे कैसे होते हैं 4000 दांत। फैक्ट नंबर 4, अब आप बोलोगे कि भाई तू तो हद पार कर रहा यार, 4000 दांत तक तो ठीक था, अब मगरमच्छ पत्थर कब से खाने लगे। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये लोग तो पत्थरों को पहले से ही खाते आ रहे हैं, लेकिन आपने पहली बार मेरे चैनल पर आकर वीडियो देखी ना, इसलिए आपको आज पता चला। पहले आते तो जल्दी पता चलता। आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि आज तो एसिडिटी जैसा लग रहा है, लगता है खाना अच्छे से हजम नहीं हुआ। तो वही फंडा यहाँ पर लागू होता है, ये पत्थर इसलिए खाते हैं ताकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे, समझे। फैक्ट नंबर 5, अब ये जानवर सोता कैसे है एक आंख खुली रखकर? बड़ा ही अजीब जानवर है ये तो। मैंने कहा था वीडियो को पूरी देखो, बहुत विचित्र है ये। जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनका पहले तो थैंक यू कि आपने मेरी बात मानी और यहाँ तक आए। गाइस, अगर आपको मैं थोड़ी सी भी वैल्यू या कुछ नया बता रहा हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सीआर फैक्ट्स चैनल पर मजेदार वीडियो लाते रहूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो पबजी के फैक्ट्स पर आने वाला है, तो स्टे कनेक्टेड विद मी।